नमस्कार, नमो नारायण। जैसा कि मैंने कहा था कि एकादशियों को हम सभी एकादशियों को कवर करेंगे, तो इस बार रविवार 2 जून जो एकादशी आ रही है वो है अपरा एकादशी। अपरा एकादशी का दूसरा नाम है अच्छला एकादशी, और इसके साथ साथ भागवत एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली एकादशी भी इसको कहा जाता है। लेकिन अपरा का मतलब क्या है, अपरा शब्द का अर्थ क्या है? अब अपरा एकादशी जो है उसको अचला एकादशी भी कहते हैं, साथ साथ में इसको कहते हैं भागवत एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली एकादशी भी। तारीख तो रविवार 2 जून जैसे मैंने कि कहा आपको, लेकिन ये जो एकादशी अपरा एकादशी है इसका लिटरल मीनिंग, वास्तविक में इसको देखा जाए इसका अर्थ है क्या, अपरा किसको कहते हैं? तो अपरा सीधे साधे शब्दों में कहेंगे मां के नाल से जुड़ा हुआ जो बच्चा होता है उस नाल वाले पोर्शन को, हिस्से को कहा जाता है अपरा। और बीजांडासन या अपरा या प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक मेडिकल टर्म है अंग्रेजी में, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मींस अपरा, वो अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण की वृद्धि होती रहती है। अब हम आते हैं एकादशी पे। तो इस एकादशी को, अपरा एकादशी को हम अपने साथ कैसे जोड़ सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन क्या जाती है, शास्त्र में लिखा है क्या ऐसा, नहीं लिखा है। कई चीजें समय के अनुसार हमें डिकोड करते हुए समझना पड़ता है। तो भ्रूण में जैसे एक भ्रूण का विकास होता है तो किस प्राणवायु के माध्यम से, जो रक्त संचार से जो उसका विकास हो रहा है, आज इसकी जो तिथि है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, तो उसमें ऐसी क्या चीज है महत्वपूर्ण जो हमें करनी चाहिए? देखो, पूजा पाठ विधि विधान ये पूरे वर्ष आप करते हो, गीता के विषय में मैंने आपको कहा हुआ है कि ये गीता का जो पाठ है वो सबसे बड़ी साधना है एकादशी की। और स्वामी यो धर्म चैनल पर दो दो श्लोक का जो चल रहा है हमारा यज्ञ, उसको आप सुन करके एटलीस्ट मिनिमम गीता पाठ तो कर ही सकते हो। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम है, श्री कृष्ण शरण मम है, कई स्तव हैं उनका पाठ आप करते हैं, पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि अपरा एकादशी पुण्य प्रदाता, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या, गोत्र की हत्या, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला भी हो, पर निंदक, पर स्त्रीगामी भी हो, तो भी यह व्रत रखकर विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। कभी कभी ऐसा प्रश्न लोग कर देते हैं कि यह भगवानों की स्कीम होती है। तीन चीजें इसमें लिखी हुई है, ब्रह्म हत्या, गोत्र की हत्या, गर्भस्थ शिशु को मारने वाला, भ्रूण हत्या करने वाला, और परनिंदक और पर स्त्रीग्रामी भी यह व्रत रख करके तर जाता है। तो इस वास्तव में इतना व्रत पावरफुल है? जी बिल्कुल है, क्योंकि अगर कोई भी व्रत जब हम टेक्निकली ठीक करते हैं, कोई भी साधना, कोई भी उपासना, तो उसका रिजल्ट ठीक आएगा। जैसे आप अगर किसी मार्ग से सीधा चलते हो तो आप सीधे में जब चलोगे तो सीधा पहुंचोगे, थोड़ा सा राइट टर्न ले लिया तो राइट की तरफ चलोगे। जैसे किसी बिंदु से 2 डिग्री भी टर्न हो गए तो अंतिम छोर पे जब पहुंचोगे तो वो 2 डिग्री की जो डिफरेंस है वो कई डिग्रीज में पहुंच जाती है। साधना सीधी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, निष्कपट होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, तो लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। मैंने जैसे कि हमेशा आपको कहा है कि एकादशी का व्रत आप करोगे कैसे, दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के समय वहां से प्रारंभ होकर के एकादशी की पूरी तिथि और अगले दिन द्वादशी का सूर्योदय, ये 3 दिन हमें मिलते हैं। और इसका साइंटिफिक रीजन मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं एकादशियों के अंदर कि जल का शरीर से संबंध है, जल का चंद्र से संबंध है, टाइड उसी से बनती है, चंद्र का मन से संबंध है, तो संबंध तो है, वैज्ञानिक संबंध है। भागवत पुराण के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय में विष्णु भक्त अमरीश द्वारा एकादशी के पालन का उल्लेख आता है।
ये आपको अपने से पढ़ना पड़ेगा, भागवत का 9वां स्कंद का 4था अध्याय। थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा यात्रा करोगे, समझना प्रारंभ करोगे। मेरी कोई आपसे ये अपेक्षा नहीं है कि इस वीडियो को लाइक करो, फॉरवर्ड करो, कमेंट करो। आपको लगता है कि आपके लिए आपके जीवन में मेरे कहे हुए कुछ शब्द कोई वैल्यू ऐड करते हैं तो ठीक है, और जहां ये वैल्यू ऐड नहीं करते हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ करके आप जा सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आपके लिए कहीं उपयोगी हूं ही नहीं तो मैं आपसे क्यों अपेक्षा रखूंगा कि इस वीडियो को आप सुने और आगे बढ़ाएं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं वास्तव में है, तो उसको आगे बढ़ाने का आप स्वयं से निर्णय ले लेंगे और वो हो भी जाएगा। वर्तमान के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की आप देख रहे हो, इन दिनों चारों तरफ गर्मी की जो हाहाकार मची हुई है, खुद मेरा स्वास्थ्य भी उसी में गिरा। पेड़ लगाना बहुत जरूरी हो गया है, हमने इतना इस पर्यावरण का नुकसान कर दिया है। उस चीज को हम सोचते हैं कि ठीक है ना, जिन्होंने नुकसान किया वो हम हैं नहीं, हम हैं तो हम रहेंगे नहीं, हम रहेंगे नहीं तो जो चल रहा है उसको चलने दो। नहीं, सनातन धर्म आपको कहता है पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम ये संसारे बहुदुस्तारे कृपया पाहि माहि मुरारे भज गोविंदम। आओगे तो सही जन्म लेकर के, अभी इंसान के योनि में हो क्या पता, अपने कर्मों से गिर जाओ और जो ये गर्मी में प्यासे जानवर देख रहे हो उनमें से एक हम हो जाएं। व्यक्तिगत कोई मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर अपने जीवन में हम जितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्राणवायु ले रहे हैं, अगर उसके एवज में मात्र और मात्र 5 पेड़ हम लगाने का एक संकल्प ले लें, कोई सरकारी संरक्षण नहीं, कोई सरकारी सब्सिडी नहीं, कोई सरकारी हमें प्रोटेक्शन के बिना, अपने बलबूते कर सकते हैं क्या 5 पेड़? और उन पेड़ों में भी पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, नीम का पेड़, आंवला है और गुलर है, ये 5 पेड़ लगाएं तो ये कई पंछियों को जीवन प्रदान करता है, ये पुण्यों में आपके वृद्धि करता है, ऐसा शास्त्र भी कहता है। पर हम इतने स्वार्थी हैं कि हम सोचते हैं कि आज ही पेड़ लगाएं, आज ही उसकी हमें छाया मिले, ऐसा नहीं होगा। आने वाली पीढ़ियों तक थोड़ी सी 3-4 साल की आपको मेहनत करनी पड़ती है। आप अपना इतना दान करते हो, मंदिरों में जाते हो और आपने देखा मंदिरों का दान किनको मिल जाता है, विधर्मियों के स्वार्थ को पूरे करने के लिए हिंदू धर्मों का जो दिया हुआ दान है वहां पर दुरुपयोग हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि आपका दान क्यों ना इन पंछियों के लिए, इन जानवरों के लिए छाया का काम करे, पर्यावरण को ठंडा करने के लिए करे। तो 5 पेड़ लगाए, मानो पेड़ खरीद करके लगाए, जहां जहां जरूरत है, किसी पड़ोस पड़ोस को परेशान करने के लिए घुस मत जाना उसके आंगन में, जहां लगाना है वहीं लगाना, अच्छा काम करो लेकिन सामने वाले का नुकसान न करना, ऐसी नीयत भी मत रखना। और उस पेड़ को थोड़ा सा पिंजरा भी लगा दिया, रोज पानी भी डाल रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। वो पानी आप पितरों के नाम से भी चढ़ा सकते हो, गीता का पाठ करते करते 5 पेट बड़े हो गए। मैंने पढ़ा है पुराण के अंदर कि 100 बेटे से एक पीपल का पेड़ अति उत्तम है, और ये बात सच है। आप स्वयं से देखें, आज जब आपके बच्चे 10वीं 12वीं पास करके हॉस्टल में जाते हैं, जब आपके शहर से दूर पढ़ने जाते हैं, तो आपके बच्चे क्या आपके रह जाते हैं क्या? नहीं। कितने भी अच्छे संस्कारी हों, उनमें मिलावट आ ही जाती है और डिफरेंस आ ही जाता है। हमें जो जीवन में करना होता है, हमने अपने अरमानों पर हमेशा अंकुश रख करके उनके पालन पोषण में वो काम किया, लेकिन आप स्वयं से सोचें, अगर सही समय पर कुछ पोर्शन उस धन का सही जगह लगाया होता तो आज एकादशी हो गई होती। तो आप जो अपना पूरा ये दान मैं बता रहा हूं पेड़ों वाला, 1000 दिन तक करें, 1000 दिन का संकल्प। 1000 दिन मतलब होते हैं 3 साल, एक पेड़ लगा करके 3 साल उसके संरक्षक बने, ये देश बदल जाएगा, ये माहौल बदल जाएगा, क्योंकि आने वाले 3 साल और खतरनाक है। ये 2024 चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 2024 से 25, 25 से 26, 26 से 27 कई कुदरती आपदाएं आएंगी, जिसके अंदर ये गर्मी का स्तर और बढ़ेगा। आप जिस मोबाइल या टैबलेट या टीवी पे ये वीडियो देख भी रहे हैं, हो सकता है 1-1.5 साल के अंदर सोलार सुनामी आ जाए, सूर्य की वो किरणें जो सैटेलाइट्स को फेल कर दें, इंटरनेट बंद हो जाए
और ये वीडियो शायद कभी भी हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन ये प्रेरणा आपके पास रहे, कुछ काम ऐसा करो जो परमात्मा के लिए हम कर सकें। तो पेड़ लगाने का आप काम करें, इससे आपको फायदा भी मैं बता दूं। जैसे मानो कि आप राशि के हिसाब से पेड़ लगा सकते हो, आप स्वार्थ में भी लगा लो, चलो मेष राशि है तो खैर का पेड़ लगाओ, वृष राशि है तो गूलर का लगाओ, आपकी अगर मिथुन राशि है तो चिड़चिड़े का लगाओ, कर्क राशि है तो पलाश का लगाओ, कन्या राशि है तो फिर चिड़चिड़ा का लगाओ, सिंह है तो मदार का लगाओ, तुला है तो गूलर का लगाओ, वृश्चिक है तो खैर का, धनु है तो पीपल का, मकर है तो शमी का, कुंभ है तो शमी का, मीन है तो पीपल का। कुछ समझ में ना आए तो मिनिमम मिनिमम पीपल का या वड़ का तो लगा ही सकते हो। तो मानो ये हुआ मैंने कहा राशि, अब आप कहते हो कि कभी कभी ग्रह खराब हो जाए, तो ग्रहों को भी पेड़ लगा करके आप ठीक बैलेंस कर सकते हो। क्यों इन पंडितों के चक्कर में फंसते हो भाई? भगवान ने सनातन धर्म में आपको फैसिलिटी दी हुई है कि आप अपने बिगड़े हुए नवग्रहों को पेड़ लगा करके भी बैलेंस कर सकते हो। जैसे मानो सूर्य के लिए आंकड़ा है, चंद्र के लिए पलाश है, मंगल के लिए खैर है, बुध के लिए अपामार्ग है, गुरु के लिए पीपल है, चंदन के लिए चंदन राहु के लिए है, शनि के लिए शमी है, तो केतु के लिए अश्वगंधा है। मैं फिर कहूंगा गुरु बिन गति नहीं, और गुरु का पीपल है। आप पीपल का पेड़ कहीं भी जहां जगह दिखती है रोड साइड पे खुली जमीनों में पीपल के पेड़ों को लगाइए। एक तो उन पीपल के पेड़ों को बढ़ने में मतलब जो है पूरा प्रकाश मिल जाता है, तो ये ऑक्सीजन के लिए भी अच्छे हैं, जानवरों के लिए छाया भी अच्छी दे देते हैं, आयुष्य भी उनका अच्छा होता है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि एकादशी सिर्फ उपवास करना या निर्जला करना या एक टाइम खाना, यही व्रत नहीं है। व्रत यह है कि हम जहाँ रहते हैं उसमें भी कुछ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी तो ठीक पूजा पाठ में आपने निर्जला कर लिया बहुत अच्छी बात है, एक टाइम खा लिया वो अच्छी बात है, षोडशो उपचार से भगवान की पूजा की बहुत बड़ी बात है, शाम को दीपक कर दिया तुलसी में शालग्राम साथ में, तो मैं बता ही चुका हूँ कि ये अच्छी बात है, पर पेड़ लगाओ। वैसे इस पूरी एकादशी का महात्म्य की भी एक कहानी है। महीध्वज नामक धार्मिक राजा है, उसका छोटा भाई वज्रध्वज है, बड़े भाई से वो द्वेष करता है और बड़े भाई की हत्या कर देता है। हत्या करने का मेन कारण क्या है कि राजा की संपत्ति को ले लेगा, और भाई की हत्या करके उसकी लाश को वो जंगल में पीपल के नीचे गाड़ देता है। अब अकाल मृत्यु से क्या होता है कि भाई की जो आत्मा है वो प्रेतयोनि को प्राप्त हो जाती है, ऐसा पुराण की कहानी में है। संपत्ति के कारण आप जानते हो आजकल कितनी हत्याएं हो गई है, बांग्लादेशी एमपी इतने बड़े पद पर भी शरीर के 70 टुकड़े हो गए भाई, सोना काम नहीं लगा, तो उस सोने के लिए प्रेतयोनि से भटकेगा। अभी कुछ चीजें करने से पहले थोड़ा सोचो। तो राजा की आत्मा प्रेत बन गई और हर राह से गुजरते हुए हर राही को वो परेशान करने लगी। एक ऋषि उस राह से जब गुजर रहा था तो प्रेत का उसने अनुभव किया, और प्रेत साधना तो है ही, साधना काम करती है, गुरु की आशीर्वाद थी, तो प्रेत से संवाद किया कि भाई प्रेत क्यों बने हो, कौन हो, क्या कारण बना। तो उसने पूरी कहानी उसको बता दी। तो उसने कहा ठीक है, फिर तुम अपनी गति चाहते हो ऊर्ध्वगति, चलो ठीक। अब उस ऋषि ने उसकी सदगति के लिए अपरा एकादशी का उपवास किया, ये महात्म्य कहता है, और उस उपवास का सारा फल उस प्रेत के समर्पित उसकी उत्थान हेतु दान दे दिया। आप अपने पितरों को भी एकादशी का फल दान दे सकते हो, प्रियजनों को, मित्रों को, सुहृदों को, और न जाने कितने जाने अनजाने लोगों के लिए आप कर सकते हो ये सेवा। कुल मिलाकर के गति तो हो गई उसकी, वो पहुंच गया ऊर्ध्वर लोक में, और ये प्रेतयोनि से मुक्ति होने की जो महात्म्य है अपरा का, वो अपरा एकादशी की कहानी आई। बात सिर्फ कहानियों तक महदूद न रहे, बात सिर्फ कर्मकांड तक न रहे, उसको वैज्ञानिक दृष्टि से हम अपने जीवन में उतारें। मुझे उम्मीद है आज की ये अपरा एकादशी आपको बहुत प्रेरणा देगी। पाठ पूजा तो करोगे ही, पर कम से कम पेड़ पौधों की तरफ आप सहानुभूति रखोगे, लगा न सकोगे तो काटने का विरोध करोगे, जो लगा रहे हैं उनको सपोर्ट करोगे, और ये देश आपका है, ये धर्म आपका है, और यहीं पे हमें रहना है, तो उसको हमें स्वर्ग बनाना है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।